अगर ये मुझको नहीं मिला ना तो मैं नया भी नहीं ले सकता यार। दो भाइयों ने वो स्टोरी देखी और वो डायरेक्ट मिलने आ गए। तुम थोड़ा बाहर का नजारा देख रहे लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं है वो। और मेरी यार बहुत महंगा लिया था यार सच में, वो सोनी का सोनी SRX का था और मैंने लिया था उसको 2300, मतलब 2300 में लिया था मैंने उसको। तो पता नहीं यार कहाँ गया, मिल नहीं रहा, मतलब क्या करूँ यार। ऐसे चीज़ें हो जाती है ना, मतलब ऐसे टाइम पे, क्योंकि पैसे की एक तो ऑलरेडी दिक्कत रहती है और ऊपर से स्पीकर ऑफ हो गया मेरा। अभी पता है क्या हुआ, परसों एक इंटरव्यू हुआ था जो गुजरात का बहुत बड़ा एक पेज है, 350,000 समथिंग कुछ उस पर फॉलोअर्स है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा उस पर, एक सेकंड। गुजरात मिरर न्यूज़ करके है उस पेज का नाम, सॉरी राजकोट मिरर न्यूज़, उस पर है फॉलोअर्स 3 लाख समथिंग, ये पेज है ये। तो इस पर कल मेरी एक वीडियो आई थी, मतलब परसों एक वीडियो आई थी इंटरव्यू में। तो ये इंटरव्यू था, 92.8 के उस पर व्यूज़ गए, मतलब करीबन 1 लाख के ऊपर व्यूज़ गए ये कंप्लीट करके फिर वो मंदिर था। और इंटरव्यू लेने आए थे मेरा क्या नाम है, हाँ मेरा इंटरव्यू लेने आए थे आरू करके एक मैम है, वो आरू लेने आए थे इंटरव्यू। जैसे ये पोस्ट हुआ उसके अगले दिन, मतलब जैसे आज, तो यहाँ पे एक है पूजा बाईसा करके, पूजा जाडेजा, वो बहुत बड़ा ट्रस्ट वाला थी और ऑब्वियसली उन्होंने तलवारबाजी में बहुत अच्छा नाम किया। तो मेरे को उनकी प्रोफाइल सेंड की गई, उनकी प्रोफाइल सेंड की मुझे आरू जी ने। तो ये उनकी कुछ प्रोफाइल है, ये है, ये पूरी प्रोफाइल है उनकी। तो इनका कॉल आया आरू जी के पास कि मुझे इनसे मिलना है, मतलब मेरे से मिलना है। तो जैसे मेरे पास अभी आरू जी का, उन्होंने मुझे PDF सेंड की और बोला कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनका ऑब्वियसली मैं तो खुद मिलना चाहूँगा ऐसे पीपल से, ऐसे महान हस्तियों से, ऑब्वियसली मिलना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं यार मेरी इसमें मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि मेरी कहीं ना कहीं वो हेल्प कर दे। नो डाउट गुजराती लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं, नेचर वाइज अच्छे होते हैं, बिहेवियर वाइज अच्छे होते हैं, मेरा तो गला ख़राब हो गया, बिहेवियर वाइज अच्छे होते हैं। तो आई होप मैं इनसे मिलूं और जो भी सारा परफॉर्मेंस हो सब कुछ अच्छा हो, मेरी एक्सपेक्टेशंस है। तो ऑब्वियसली ये भी चीज़ है ना कि एक्सपेक्टेशंस से जब तक जाते हैं जहाँ तक हमने सोच रखा होता है वहाँ तक नहीं हो पाता है, लेकिन नो डाउट मैं फील कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशंस की मुझे इनके थ्रू कुछ हेल्प मिल जाए या फिर ये मेरी कुछ हेल्प कर दे इस यात्रा को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली यार 2 साल की यात्रा है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, पैसों की ज़रूरत रहती है, मोटिवेशंस की ज़रूरत रहती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है। तो अभी मैं आपके सामने, आप मेरे को देख रहे हो ना, तो मैं सीरियसली अभी तक मतलब मैं क्या बोलूँ यार, छोड़ो। तो आई होप ये मेरी यात्रा में कहीं ना कहीं हेल्प कर दे ताकि मैं एक छोर से दूसरे छोर में पहुँच जाऊँ। तो दैट्स इट।
मैं मिलना चाहूँगा उनसे, तो आज ये मुझसे मिलने आएंगे, वो कंफर्म बताएंगे मुझे आरू जी कॉल करके वापस। सो लेट्स सी। और मेरा स्पीकर मैंने अभी तक नहीं ढूंढा है क्योंकि मुझे चाय और पीनी है, आप लोगों को पता है मैं चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ। तो और एक चीज़ है, मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट व्लॉग के अंदर कि मैं पांच ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ, तो सोमनाथ में मैं अपनी लाइफ की कुछ एक ऐसी चीज़ का त्याग करने वाला हूँ, एक ऐसी चीज़ छोड़ने वाला हूँ जो मेरे इन फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब है, तो मैं बहुत आप बताऊंगा मैं आपको, और अगर वो आप भी करते हो तो वो आप लोगों के लिए भी ख़राब है। तो प्लीज़ अगर आप मैं वीडियो कोई भी देख रहा है, अगर कोई छोटा है तो प्लीज़ उस चीज़ को ना पकड़े, और अगर कोई बड़ा है तो उस चीज़ को पकड़ रखे तो प्लीज़ छोड़ दो, और वो मैं चीज़ करने वाला हूँ। सो लेट्स, वो अगले व्लॉग में बताऊँगा क्या चीज़ है क्या नहीं है, बस सिर्फ एक चीज़ बताऊँगा कि क्या है, बाकी पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसके पीछे के सारे वीडियोज़ क्यों छोड़ा किस लिए क्या था वो सारी चीज़ें आपको सोमनाथ पहुँचने के बाद ही पता चलेगी मेरे। अभी मैं हूँ राजकोट में और द गैलेक्सी होटल। मैं अभी देख रहा हूँ सौरभ जोशी के व्लॉग की, देख कॉपीराइट नहीं आ जाए यार कहीं पे। मेरे कैमरे की हो गई थी बैटरी डिस्चार्ज और मैंने लगा दिया उसको चार्ज में, और अब मैं उधर लगाया मैंने चार्ज में, और अब मैं जा रहा हूँ फाइनली नहाने। शाम के कितने बज चुके हैं यार भाई, 5 बज गए 5:30 भाई। ओ यार चलो मैं चलता हूँ जल्दी फटाफट और आता हूँ नहा के वापस, चलो बाय। जस्ट अभी नहा के बाहर आया और अब मैं पढ़ूंगा हनुमान चालीसा और फिर कहीं चलेंगे थोड़ा बाहर। खुजली आ रही है, अबे मच्छर खा जाता है मेरे को। फाइनली हनुमान चालीसा पढ़ लिया और अब मैं मतलब पैंट जींस पहन के कुछ भी पजामा वजामा बाहर निकलता हूँ मैं, चलो बाय। मैंने कहा था ना मेरा मिल जाएगा स्पीकर, और फाइनली मेरा स्पीकर मुझे मिल गया, मेरे बैग के अंदर ही था। मिल गया भाई। सच में यार बहुत पैसे लग जाते हैं अगर मुझे, क्योंकि स्पीकर की मुझे बहुत ज़्यादा नीड रहती है गाने सुनने के लिए, कुछ शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा नीड रहती है कसम से। फाइनली मिल गया स्पीकर। हर हर महादेव, जय बजरंगबली और जय श्री बसर। में पूरा मैं कल से ढूंढ रहा था भाई, मुझे अभी तक नहीं मिला, और जैसे मैं नहा के बाहर आया हनुमान चालीसा पढ़ा और वहाँ से उस जगह से ना अपना वो ये ट्रैक लिया और मेरे को स्पीकर दिख गया बैग के अंदर। बहुत बहुत अंदर पड़ा था, बहुत ऊंडा ऊंडा पड़ा था, मिल गया मेरे को। चलो बाहर चलते फोन लगा रहा हूँ आरती जी को, उन्होंने बोला था ना कि मिलवाएंगे वो कौन है फाउंडेशन वाले बताया था मैंने आपके पीछे वीडियो में, तो उनके लिए कॉल लगा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं जाता हूँ बाहर। देखो सब कुछ अनप्लैंड है, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ जाना है कैसे जाना है, और ये थोड़ा सा बाहर का मौसम आप देख लो, और अभी जाता हूँ यार मैं बाहर, चलो बाय। आई थिंक सो ये बहुत ज़्यादा लेट होगा तो मैं ला रहा हूँ सीढ़ियों से। ओके फाइनली मैं बाहर आ गया और अभी मुझे पीनी है चाय। सो अभी मैं जा रहा हूँ एक कैफ़े ढूंढने कि मैं कुछ खा पाऊँ वहाँ पे, क्योंकि आसपास नाश्ते की जो शॉप है वो है नहीं, नीचे थी वहाँ पे मिल रही थी जलेबी और मेरे को कुछ मीठा खाना नहीं है। मैं जा रहा हूँ कुछ कैफ़े के पास जो यहाँ से 750 मीटर दूरी पर है, लेट्स गो। भाई वो तो थी क्यों कन्फ्यूज, मैं इधर आया था पीछे तो लियो कैफे किसी दीवार के अंदर बता रहा है लोकेशन में, इधर पूरा घूम लिया मैं पूरे राउंड में, कहीं पे भी लियो कैफे नहीं है भाई। अभी जा रहा हूँ वापस उसी रास्ते पे जहाँ से मैं आया था, क्या यार। तो पहले अब हम खाएंगे ये खाना, ये रहा बता तो आपको खोल के क्या है, ठीक है। सो ये पीनो बॉक्स बॉक्स क्या है इसको क्या कहते हैं जो भी रैप है, मैं खोल थैली से बाहर निकाल लिया, अब देखते हैं क्या क्या है किसके अंदर। सो मैंने ली थी जलेबी और गांठिया, तो ये दो चीज़ें ली थी, और एक गांठे के साथ जो आती है वो मसाला। सुन वाह, इसमें खुले हैं सबसे पहले गांठिया, ये देखो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे देख लो। तो इसमें क्या है ये खोल के देखते हैं, तो ये रस्सियाँ भाई देखो, ये पलट के खोलना अच्छा नहीं लगता। इसके अंदर है
मसाला, अलग अलग चटनी, ओ भाई इतने सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। मतलब गुजराती खाना तो यार होता ही लजीज है सच में। ये देखो मिर्च एक गांठी के साथ ये सारी चीज़ें आई है, मिर्ची और ये चटनी और ये खोपरे की कुछ चीज़ें होती ना, और इसमें तो फाइनली ऑब्वियसली जलेबी होगी इसके अंदर तो। सो ये है ये है गुजराती जलेबी, मिठू। चलो लेट्स गो, खाता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे, बाय। तो मैं यहाँ होटल में बैठा मूवी देख रहा था, और आज जो मैंने स्टोरी डाली थी ये वाली स्टोरी, तो उसमें मैंने राजकोट द गैलेक्सी होटल मैंने लोकेशन डाल रखी थी। तो दो भाइयों ने वो स्टोरी देखी और वो डायरेक्ट मिलने आ गए। उससे पहले उन्होंने मैसेज किए थे मेरे को इंस्टाग्राम पे, मैंने किसी वजह से रीज़न सीन नहीं किए होंगे तो ऑब्वियसली यार नहीं कर पाता हूँ, आप लोगों को पता है। तो भाई आ गए डायरेक्ट होटल पर रिसेप्शन पे, तो मेरे पास आए कॉल। अभी सीन क्या हुआ कि कॉल तो उठाया मैंने, जो मेन रूम का जो सेलफोन होता है उठाया, तो वायर निकल गया, तो मैं चला गया बाहर। तो ये दो भाई बाहर मुझे रिसेप्शन में मिले। हर हर महादेव भाई, हर महादेव। क्या नाम है आपका? निमेश भाई, विजय भाई। तो ये दो भाई मिलने आए भाई, बस ऐसा ही प्यार चाहिए और देते रहना हमेशा, हमेशा मिलता रहेगा भाई। थैंक यू भाई, जब तक कैलाश की यात्रा कंप्लीट नहीं हो जाए बस ऐसा प्यार देते रहना, हमारा भी सपना है कैलाश जाने का भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल करेंगे, महादेव जी कुछ अपना, बस यार ऐसा ही प्यार चाहिए। मतलब इनको पता चला कि मैं इस होटल में हूँ तो भाई मिलने आ गया यहाँ पर डायरेक्टली। थैंक यू भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि मैं किसी पूजा बा से मिलने वाला हूँ, तो उनसे मेरा मिलना हुआ नहीं, और अभी मैं ये ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ। चलो कल का दिन मेरे पास है, तो अभी मैं ट्राई करूँगा, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनसे कल मिल पाऊँ प्लीज़, और मेरी हेल्प हो पाए थोड़ी सी। बाकी देखते हैं, अभी ये ब्लॉग एडिट करूँगा, मैं डाल देता हूँ फटाफट एडिटिंग में, मतलब एडिटिंग करने बैठूँगा। अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, और बाकी मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, आप लोग मेरे साथ रहो, और बाकी तो आप सब लोगों का साथ। महादेव का हाथ, जय महादेव, जय महाकाल। मिठू।